ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। लाहौर की सड़कों पर और बिलखसूस माल रोड पर हम ये सर्वे कर रहे हैं। अदालती हुक्म के ऊपर मनुआन अहकाम जो अदालत ने जारी किए थे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन यानी अमल करने को कहा गया। मनुअन जो है वो अमल हो रहा है या नहीं हो रहा ये हम आपको अपने प्रोग्राम टॉप स्टोरी में बता रहे हैं। आसिफ सदीक साहब जो कि SP City हैं उनको हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी थी, हमने अथॉरिटीज को दावत दी कि आए अब हमें बताएं कि किस तरह से अदालती हुक्म के ऊपर अहकाम के ऊपर मनुअन अमल करने के लिए आप कोशा हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में दावत देने के बावजूद और उनका इंतजार करने के बावजूद वो अभी तक नहीं आए, तो हमने प्रोग्राम को फर्दर प्रोसीड करने का जो फैसला है वो किया है। पीछे कुछ शहरी हैं, उनका चालान हुआ है। मुजाहिद शेख साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, थोड़ी बहस हो रही है आपकी ट्रैफिक वार्डन के साथ, मैं देख रही हूँ कोई मसला हो गया? मसला ये हो गया कि उनको बोला है कि हम लोग हेलमेट लेने ही जा रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे। लेकिन आप हेलमेट आज ले रहे हैं तो बड़ी पुरानी बात तो सही है, लेकिन जब भी चांस मिला तभी जा रहे हैं लेने के लिए। नहीं, दूसरा हेलमेट लेने जा रहे हैं कि पहला भी नहीं आपके पास? दोनों लेने जा रहे हैं। फिर तो आपका चालान बनता है ना। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं और वाकई उसी तरफ जा रहे हैं। मैंने उनको बोला मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। चीज़ से आप ये बताएं कि आपने जो है इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया दूसरी सवारी का भी, तो हमने देखा कि बहुत सारी खवातीन जो है वो बगैर हेलमेट के दूसरी सवारी के तौर पर मोटरसाइकिल में बैठी है, उन्हें नहीं रोका जा रहा। नहीं, काफ़ी हद तक आप देख रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को ओबलाइज नहीं कर रहे, चाहे कि पीछे लेडीज बैठी हुई है, मेल बैठा हुआ, फीमेल बैठी हुई, सब हम ये देख रहे हैं कि लेडीज जहाँ बैठी हैं आप उनको रोक नहीं रहे। नहीं नहीं, आपने पहले नहीं देखा शायद, आपने देखा है, बहुत देखा है, पीछे भी देखे हैं, अभी भी देखे हैं। नहीं 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 नहीं, हम सबके खिलाफ कार्रवाई, बिला इम्तियाज कार्रवाई हो रही है। यही इशू मेरा क्रिएट था, मैंने भी नहीं यही कहा कि लेडीज रोक नहीं रहे आप उन्हें, लेकिन हमें रोक रहे हैं, उन्होंने कहा लेडीज को भी रोक रहे हैं। लेडीज जो है वो जा रही है और बहुत सारी लेडीज है, ये लेडीज हैं और जिन्होंने हिजाब किया हुआ या अबाया पहन रखा है, आपने उनको नहीं रोका जी? आप ये कैसे जज कर सकते कि ये जो जा रही है इनका चलान नहीं हुआ होगा? आप ये सपोज कर रहे हैं कि आप ये फर्ज कर रहे हैं कि शायद इनका पिछले चालान, क्योंकि उन्होंने चालान की पर्ची जो है वो तो डिस्प्ले नहीं कर रखी। आप वहाँ पे देखे खवातीन कितनी है, वो पीछे ये देखें, एक जीप के पीछे खातून बैठी हुई है, उन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो अब हम हर बंदे को यही सोचेंगे ये पीछे चलान करवा गए हैं और ये माल रोड पे करना। आपको कैसे पता चलेगा पीछे चलान करवा के आए हैं ये? क्योंकि जिस तरह हमारी मुहिम चल रही है मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच के आ रहा होगा। आप ये आप सपोज करें या आपका ख्याल है? नहीं, ये लाजमी उनका चलान हुआ होगा, क्योंकि जो बंदा भी माल पे आया पूछ ले, हाँ उनसे पूछ ले, रोक के उनको पूछ ले, हमें भी पता चल जाए। जी जरा पता चल जाएगा आपका ख्याल कितना दुरुस्त है। जरा आइए देखते हैं। आप लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, पीछे फीमेल के लिए भी हेलमेट अलाउ हो गया लेकिन आपने नहीं पहना हुआ। देखें जी, सब लेडीज हो, मेल हो, फीमेल हो, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपका ये चलान होगा, हेलमेट पहना करें, इसमें आपकी अपनी सेफ्टी है। ये चीज जो मैं आपको बताने की कोशिश करी थी कि आप ख्याल कर रहे हैं कि जो लेडीज बैठी हैं आपके जो पुलिस ऑफिसर हैं वो प्रीवियस सिग्नल के ऊपर उनका चालान कर चुके होंगे, ये आप ख्याल कर रहे हैं? जी, आपने मेरी बात को फॉलो नहीं किया, मैंने मार रोड की बात की है। आपने मुझे कहा था कि वो लेडीज जा रही है, उनको आपने नहीं रोका। मैंने कहा कि जिस तरह हमारी मुहिम चल रही है ये हो ही नहीं सकता कि कोई बगैर चलान के मार रोड पे चढ़ जाए, ये बहुत ही, जिस तरह हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। वो पीछे देखें, दोनों नहीं नहीं पहना, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, आप देखेंगे इनके खिलाफ कार्रवाई, उनके बाद उनको पकड़ लेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होगा ना, लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इंशाल्लाह देखें कि हमने किस तरह इम्प्लीमेंट करवाया है कि फ्रंट वालों ने पहन लिया है, ये आप हमें अप्रिशिएट करेंगे। इस बात पे पूछ लें कि जो इनको अलहाम हो रहा था, आपका पहले चलान हुआ है? देखें, वो आप कह रहे हैं कि उनका चलान नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग, मैं ये बात कर रहा था आप लोगों से कि जो मार रोड पे चढ़ रहा है, जो मार रोड पे चढ़ रहा है उनके खिलाफ उनका लाजमी चलान होता है, या जो मतलब इधर से अगर आगे उसका नहीं हुआ होगा, जो पीछे से आ रहे हैं मुसलसल मार रोड यूज कर रहे हैं उनका लाजमी चलान हुआ होगा। हमारी मुहिम जिस तरह चल रही है तो चलान हो चुके हैं, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एक भाई है हमारे साथ, इन्होंने हमसे बात करनी है, जरा आइएगा आइएगा, इन्होंने हमसे बात करनी है, इनसे इनको आने दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात करना चाह रहे थे? मैंने सिर्फ अर्ज ये कर रहा था कि मेरे पीछे दो लेडीज हैं, मैंने कह भी रहा हूँ, मैं कहा जैसे आपने मुझे हाथ देकर रोका है कि आप साइड पे आ जाए, मैं आया हूँ। आप एक शहरी हैं और आप मेल हैं और आपका ये कहना है कि फीमेल्स को रियायत दी जा रही है जो एक गैर मुनसिफाना अमल है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। चले जी, जवाब दीजिए। देखें, जिस तरह से अभी वार्डन साहब भी कह रहे थे कि ये जो माल रोड पर आ रहे हैं और पहले इनका चलान हुआ होगा तो इस वजह से इन्होंने जो है इनको नहीं रोका जा रहा, लेकिन जब हमने इसरार किया तो उन्हें रोका भी गया, तो उन्हें पहली दफ़ा ही उनका चलान हो रहा है।
तो ये एक क्या सराइयाँ हैं जो ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ से हो रही हैं, और जो देखें जो इम्प्लीमेंट है वो तो हो रहा है, लेकिन मैंने जिस तरह से पहले आपको मदिया बताया था कि हम लोग सिर्फ एक चीज़ को फोकस करते हैं, बाकी चीज़ों से हम नज़र हटा लेते हैं। अब मार रोड पर सिर्फ जो डबल सवारी हेलमेट नहीं पहनेगी उसका चलान होगा, कोई सीट बेल्ट ना पहने वो आज़ाद है, जो गाड़ी चलाते हैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे वो आज़ाद है, उसको फोकस नहीं किया जाएगा। जिस तरह से हमने पहले बात की कि हम मौसमी असरात के को मद्देनजर रखते हुए जो है वो चीज़ों का आगाज़ कर देते हैं। अच्छा, ये जो भाई शहरी हमारे साथ हैं, इन्होंने सिर्फ हमारे प्रोग्राम में शिरकत इसीलिए करनी थी ताकि इनकी जो आवाज़ है वो पहुँच सके। इनका ये कहना है कि जो फीमेल्स हैं उनको इस्तिस्ना दिया जा रहा है, जबकि मौजिज़ अदालत ये कह चुकी बिला किसी नस्ली इम्तियाज के, बिला किसी तफरीक के आपने चालान करने हैं। यहाँ पर किया ये जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक या दो मोटरसाइकिल वालों का चालान किया जा रहा है, बल्कि प्रायोरिटी ये है कि सिर्फ जो पहला राइडर है अगर उसने हेलमेट नहीं पहना तो उसे रोका जा रहा है, उसका चालान किया जा रहा है, जबकि पीछे वाला जो सेकंड राइडर है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन अदालती अहकाम ये थे कि 1 दिसंबर से इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब मजीद भी लोग हैं जिनका यहाँ चालान हो चुका है, मुजाहिद शेख भी हमारे साथ हैं। नया हेलमेट मेरा ख्याल से इन्होंने लिया था लेकिन पहना नहीं था आपने, क्या हुआ? पहना हुआ मैम, नहीं पहना हेलमेट। रोका क्यों आपको? मेरे भाई का हुआ चालान। आपने एक नया हेलमेट लिया अभी? लिया अभी भी लिया। दूसरा क्यों नहीं लिया, एक क्यों लिया? मेरा अपना काम हेलमेट का है। अच्छा। जी जी, आप अच्छी बात है कि आप हमें मिल गए हैं। ये बताइए कि हेलमेट की कीमतों में क्यों इजाफा किया फिर आपने? ये पहले तो हेलमेट जब शुरू में स्टार्ट में पाबंदी लगी थी तब तो हेलमेट था ये तकरीबन 1500 का, फिर सख्ती कम 1500 का। जी जी, फिर सख्ती। ये मुझे 1500 वाला लगता नहीं है, ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड तो है नहीं। नहीं, ये सिर्फ हेलमेट पहले पाबंदी से पहले जो सा था ना ये 650 रुपए का था। अच्छा। तो ये हेलमेट पाबंदी। कहानी सुनिएगा नाजरीन के हेलमेट के प्राइस की हाइक किस तरह हुई। ये हेलमेट बेचने वाले भाई है हमारे साथ हैं, ये खुद अपनी जबानी बताएंगे। जी जी, हेलमेट पाबंदी से पहले ये 650 का हम सेल करते थे, फिर पाबंदी लगी ये 1500 का हो गया। ठीक है, 25 जुलाई के बाद तो उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी नरमी हुई तो ये हेलमेट दोबारा अपनी रूटीन में आ गया, यानी कि 1800 में फ्रोक कर रहे थे हम। अब ये अब जब सेकंड राइडर के ऊपर पाबंदी लगी है तो अब प्राइस किस तरह से? दोबारा से इसकी प्राइस चढ़ गई है, मतलब ये दोबारा 1200-1500। मुजाहिद शेख साहब, आपने एक कहानी सुनी है कि जैसे ही पाबंदी लगती है प्राइस जो है वो हाइक हो जाता है। मैं पहले कथा कलामी माफ किए, देखे की हेलमेट के साथ चिंची रिक्शे का भी माल रोड पर दाखिला ममनू है, लेकिन चिंची रिक्शा भी चल रहा है क्योंकि फोकस जो है वो सिर्फ डबल सवारी को हेलमेट पहनने को किया हुआ है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। तो अब कोई शहरी कोई गाड़ी में सवार कोई भी वायलेशन करे उसे नहीं रोका जाएगा। और कुछ मेरा ख्याल है खवातीन, अब आपने पहले भी देखी है और अब भी यहाँ पे जो कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहने हुए हैं लेकिन उन्हें नहीं रोका जा रहा है। ये चीजें हम हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा मुजाहिद शेख साहब, मैं ये इस बात के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाह रही थी कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप अहकाम जारी करते हैं लेकिन सीटीओ की जानिब से या सीटीओ ऑफिस की जानिब से प्राइस जो है उनको कंट्रोल करने के लिए जुलाई में तो एक्शन लिया गया था, लेकिन अब जब दिसंबर के महीने में सेकंड राइडर के ऊपर पाबंदी लगी है हेलमेट पहनने के लिए तब कोई अहकाम जारी नहीं किए गए प्राइस के हवाले से। देखिये मदिया, जब ये पहला जब मरहला शुरू हुआ था तो उसके बाद लोगों ने बड़ा शोर शराबा किया और इस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि हेलमेट बहुत महंगे दामों में फरोख्त हो रहा है। तो उसके बाद फिर जो जिले इंतजामिया है उसको अहकाम दिए गए कि हेलमेट की एक प्राइस जो है वो फिक्स कर दी जाए। वो वक्ती तौर पर हुआ जिस तरह से मौसमी बात हम कर रहे हैं कि मौसमी अमल दरामद कानून के मुताबिक करते हैं, तो उस पर अमल दरामद हुआ। जब खवातीन की बारी आई और पिछली दूसरी सवारी की बारी आई तो इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं है और लोग एक ये भी एलिमेंट है कि इस महंगे होने की वजह से जो है वो हेलमेट नहीं खरीद पा रहे हैं, लेकिन अभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। सिर्फ ये फोकस किया जा रहा है कि जो शख्स भी यहाँ से गुजरे उसे मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है मार रोड पर वो दाखिल हो गया तो उसका चालान कर दिया जाए। और ये लाखों रुपया जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन ये लाखों रुपया इकट्ठा होके जाना कहाँ है, इस्तेमाल कहाँ होना है, ये किसी को कुछ मालूम नहीं है। जिस तरह से लाइसेंस के हवाले से भी हमारी एक शहरी से बात हुई, उसने कहा भी कि वहाँ पे जो है वो एक ऐसा काम हो रहा है कि पुलिस वाले ट्रैफिक वार्डन जो है वो पैसे वसूल करते हैं लाइसेंस बनाने के लिए। मैं सिर्फ एक ही बात कह सकती हूँ कि शहरियों की और इदारों की बहुत नाजुक सूरत हाल है। मुझे इजाजत दीजिए, पीछे के चालान हुए हैं और लेडी उनके पास बैठी है, जरा इनसे जानते हैं। अच्छा सर, इनका चालान क्यों हुआ? किनका सर? इनका। ये पीछे फीमेल ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मैम? शुक्र अल्लाह का।
अच्छा, जो पीछे वाली सवारी है उनका चालान होगा, आपका चालान हो चुका है क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना। हमें नहीं पता है, मजदूर बंदा 10 तारीख को तरखा मिलनी है और नहीं मेरे को पैसे आ गए, मैं कितों लवा। आपको एक महीने का टाइम दिया गया था, अक्टूबर के महीने में ही बता दिया गया था कि दिसंबर के महीने में चालान होना शुरू हो जाएंगे। तो गरीब बंदा मैं कितों ले आवां, मैं 10 तारीख को तरखा मिलनी है। अब आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे चालान के। देने पड़ेंगे, हम की करिए फिर, गड्डी बंद कर देना और सानू बंद करना ना, की करिए हम, है ही नहीं है हम पैसे। मैं ये पता था कि आज से चला, बिल्कुल पता था। आप मार रोड पे ही ना आते, सीधे जाना। सास मेरी बीमार है बड़ी, तो हैगी है अम्मी का पता कर चल यार, एमरजेंसी बीमार है बहुत। ये भी एक पहलू ये भी है यकीनन, मतलब लोगों को कोई एमरजेंसी या मजबूरी भी है तो वो भी, लेकिन उनका ये भी कहना कि 10 तारीख को उनको जो है वो सैलरी मिलेगी, तनख्वाहदार आदमी है। यहाँ पे ये भी तो है मुदाई शेख साहब के, एक महीने का टाइम शहरियों को दिया गया, अभी भी शहरी इस तरह के एक्सक्यूज दे रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं शहरियों से बात करती हूँ और मुझे ये बात कहते हैं कि हम गरीब हैं, तो आगे से मैं आर्ग्यू करने को मेरा दिल नहीं करता, बिल्कुल मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मुझे लोगों की मजबूरियों को मालूम है। मैं उनका तमस्कर नहीं उड़ाना चाहती हूँ, ये एक डिस्क्लेमर है कि मैं जो शहरी हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। चाहे तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो, किसी की दुकान चली जाए, तो यकीन करिए रात को मुझे नींद नहीं आती। देखें मदिया, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो तमाम पहलू हैं उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरह का अमल दरामद जो है वो होना चाहिए था। कि नहीं, ये चाहिए था कि पहले भी ये मामला हुआ था कि लोगों की बसात से जो है वो दूर है, हेलमेट खरीद नहीं सकता हर आदमी जो है 2000 का, 1800 का। इसका क्या हल, क्या है सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन तो सिर्फ देखें, ये उन इदारों के लिए है कि पिछली दफा ये हुआ था कि ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी फ्री हेलमेट जो है वो तकसीम किए थे, लेकिन हमने ये भी देखा कि ज्यादा ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक वार्डन के रिश्तेदार फेरी हुई उसमें, वो ही लेकर गए थे। तो चले आप फ्री अगर हेलमेट नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उसकी एक प्राइस जो है वो फिक्स करवा दें कि हर आदमी को पता हो 500 रुपए का, 600 रुपए का, जब पाबंदी नहीं थी तो इतने का हेलमेट जो है बड़ी आसानी से मार्केट से मिल जाता था। तो इसको ये कराने की जरूरत है, क्योंकि जब ये भी आप चीज करेंगे तो लोगों के पास जवाब नहीं होगा। इस तरह से हमने कई लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे पास हेलमेट खरीदने के पैसे नहीं है। तो अगर यही 80% लोगों का जवाब यही है तो मेरा ख्याल है कि इसकी प्राइस कंट्रोल जो है वो हो जाए तो काफी, DCO हो चाहे हुकूमत पंजाब हो या पुलिस हो। तो बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया मुजाहिद शेख साहब। आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की है। नाज़रीन, उन शहरियों से माजर चाहती हूँ जिनकी दिल आजारी हुई है इस प्रोग्राम में, लेकिन ये अदालत का मौजिज़ अदालत का हुक्म है जिसको आपने मानना है। अब ये वो शहरी जो ये कह रहे हैं कि उनके पास पैसे नहीं है या वो गरीब है, उनके लिए ये एक गुजारिश है कि अदालत ने एक महीने का आपको टाइम दिया था, वो टाइम माजर के साथ अब खत्म हो चुका है। अब आपसे गुजारिश है कि आप अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखिए और आप जल्द से जल्द हेलमेट ले लीजिए, इसके बजाय कि आप 200 का रोज चालान कटवाएं और चालान कटवाने की अजियत जो है वो आप भुगतें और डिप्रेशन का शिकार हों। इससे अच्छा ये है कि आप अपने घर में 2 या 3 हेलमेट जरूर रखें और अपने आप को महफूज बनाइए। और दूसरी चीज जो आज हमने दिखाया है कि किस तरह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से किस तरह से स्लो कार्रवाई की जा रही है, ये भी एक पहलू अपने प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। We'll be right back.